अभी तो रोजे चल रहे हैं, नहीं तो खाना, हाँ सोना, हाँ एक्सरसाइज नहीं। उनको लग रहा होगा कि मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ लेकिन मैं टाइम वेस्ट कर लूंगी यहाँ बैठ के। तुम अट्टा गूंथ रहे हो। आप लोगों का स्वागत है किचन विद सूरज। आज जलाने है क्या? जल गई रोटी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आवर न्यू वीडियो। सो गाइस, कैसे हो आप सब? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप ठीक होंगे। तेरे इसका तो होंगे चलता रहेगा गाइस। सो आज का ब्लॉग करते स्टार्ट। और अर्शी अभी जाएगी एक्सरसाइज करेगी अपना, क्योंकि रोजे चल रहे हैं इसके। और बट एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है यार। थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करेगी तो बॉडी थोड़ा टोन हो जाएगा इसका, थोड़ा सा शेप आ जाएगा, पतली हो जाएगी मतलब। और मैं बनाता हूँ अपना ब्रेकफास्ट। क्या नहीं? क्या नहीं? एक्सरसाइज नहीं? क्यों नहीं? नहीं 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 सोना, हाँ एक्सरसाइज नहीं, नहीं। यही है गाइस इनका, सोना हाँ, एक्सरसाइज नहीं, अभी तो रोजे चल रहे हैं, नहीं तो खाना हाँ, बाकी सारा काम ना। चलो मैं बनाता हूँ ब्रेकफास्ट अपने लिए, क्योंकि इससे ज्यादा काम नहीं कराना यार। एक्सरसाइज कर रही है वही बड़ी बात है अभी। बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। तो हम बहुत ही स्पेशल डिश बनाने वाले हैं आज। कल वाला रोजा एकदम सही गया था, मेरे को पता भी नहीं चला था। आज भी कहाँ पता चलेगा, 12 चल रहा है अभी, पता चलने लग गया। 12 बजे है, ऐसे ही वीडियो बनाएंगे, खाना ये बनाते बनाते 3-4-5-7-8 बजेंगे। तो फिर आज फ्राइडे का रोजा ज्यादा लगता है। अच्छा, फ्राइडे का रोजा ज्यादा लगता है, चलो अच्छी बात है, लगना भी चाहिए यार। नहीं लगेगा तो फिर फायदा है क्या, पता तो लगे कि हाँ रोजे रखे। सो गाइस चलो हम बनाते हैं यार ब्रेकफास्ट। मेरा पेट में गुड़ 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 कर रहा है। और आज चप्पल हमारे बिल्कुल सही जगह है, मेरे चप्पल मेरे पास है, अर्शी के पास। और ये देखो मैच किया हुआ आज मैंने अपने साथ। सो चलो आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। मेरी टीशर्ट बैंड, तेरी टीशर्ट मेरी है, ये लड़कों वाली टीशर्ट मेरी है। चलो गाइस मिलते हैं। सो गाइस अब हम पोडियो के पास आ चुके हैं, लेकिन हम अब एक्सरसाइज नहीं करेंगे और सूरज को अंदर जाके बोल देंगे कि मैंने एक्सरसाइज कर ली है। गजब बेइज्जती है। तो थोड़ा टाइम यहीं पे टाइम वेस्ट करते हैं। और बताओ गाइस कैसे हैं आप सब, आपके घर में सब ठीक? और सूरज को मत बताना कि मैंने एक्सरसाइज नहीं करी, ठीक है? हम यहाँ पे पोडियो के पास खड़े हैं, मन नहीं करता यार एक्सरसाइज करने का, पता नहीं क्यों। सो गाइस अब यहाँ पे बैठे हैं पोडियो पे और सूरज अंदर काम कर रहे हैं। मैं एक्सरसाइज नहीं करना चाहती आज। उनको लग रहा होगा कि मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ लेकिन मैं टाइम वेस्ट कर लूँगी यहाँ बैठ के। तो आप देखना, बाहर नहीं आएंगे तो उनको कुछ पता भी नहीं चलेगा, हम आराम से टाइम वेस्ट करके चले जाएंगे। मज़ा आता है ऐसे काम करने में बार बार। तुम भी क्या करो गाइस, कभी किसी को पागल बनाया करो, कितना मज़ा आता है पता। मैं तो रोज़ बनाती रहती हूँ पागल। चलो गाइस अब बहुत देर हो गई है, अंदर चलते हैं, ठीक है? बाबू मैं आगे एक्सरसाइज कर ली मैंने, अब मैं थक गया, मुझे बैठने दो। अब तुम आटा गूंद रहे हो? ओ गाइस हम आटा गूंद रहे हैं। देखो मैं आटा कैसे गूंदता हूँ, मेरे को आटा गूंदना भी आता है, क्योंकि ये लड़कियों को आता नहीं है ये वाला काम ना। बात तो सही है। अपनी तारीफ अपने मुंह मिठो। वाह आटा तुम ही गूंदे करो हर रोज। मैं ही गूंदू? थोड़ा सा तो गूंदना होता है, चार हाथ नहीं लगते इसके अंदर। क्या थोड़ा सा आटा गूंदना, आटा गूंदना होता है, थोड़ा ज्यादा थोड़ना होता है, चोरी चोरी होती है, चाहे 1 रुपए की करो, चाहे 1000 रुपए की करो, चाहे 100 रुपए की करो। चोर लगता है मुझे चक्कर। हाँ, चोर हूँ मैं, एक नंबर का, मैंने दिल चुराया तुम्हारा। सो गाइज हमारा आटा भी रेडी हो चुका है और हम आज बनाने वाले पनीर की भुर्जी, क्योंकि ये बहुत हेल्दी होती है। तुम अपने आप को ज्यादा बनते हो। आप देख के ना पॉइंट देना कैसा है, खा तो तुम सकते नहीं हो, तो देख के बताना कि हाँ कैसा बना होगा, ठीक है? सो गाइज आप लोगों का स्वागत है किचन विद सूरज। ये हमारा नया चैनल है, मजाक कर रहा हूँ, ये है सूरज शर्मा लाइफ, ये मेरी लाइफ है, ऐसी होगी शादी के बाद लाइफ यार मेरी। सोचो बच्चे होंगे तो क्या होएगा, फुलका बनाना पड़ रहा है मेरे को। ये ऐसे क्यों बनाते हैं, मैं तो हाथ पे कर लेती हूँ इसको। ले मेरे को भी तो आता है हाथ में। गाइज मेरे पापा जो थे वो शेफ थे, तो और मम्मी ने भी हमें खुला छोड़ा हुआ था कि भाई खुद बनाओगे खुद खाओगे, क्योंकि मम्मी भी करते थे जॉब, काम करते थे, पापा भी शेफ थे, तो तभी हमारे अंदर ये टैलेंट आया कि हम बना लेते हैं रोटी। देखो कितना गोल बनेगा अभी, कि देर में तो मैं 10 रोटी बना के रख देती हूँ बस। तू तो बनाएगी, तेरा काम ही यही है, मैं तो आज बना रहा हूँ ना। देखो गाइज इतना तो नॉर्मल बनता ही है रोटी, है ना, इससे और गोल कितना बनेगा बता, ठीक है ना? इतना करनू मैं भी बना के खाऊंगी गोल रोटी। इतना गोल तो तू कभी जिंदगी में नहीं बना पाएगी। जो नहीं बनाऊंगी। तेरी रोटी तो ट्रायंगल भारत का नक्शा बनता है तेरी रोटी। नहीं तुम ज्यादा मत बने करो अपने आप को। सो गाइस ये बिल चुका है, देखो कितना गोल है, बताओ ठीक है ना? अब देखो
अब इसको हम इसमें डाल लेंगे और पकाएंगे। कितनी गोल रोटी हमारी। यस, एक मैं रोटी बना के दिखाती हूं। यस नो, आज का ब्रेकफास्ट मैंने बनाना है तो मैं ही बनाऊंगा। सुनू बाय कट्टी, कट्टी कुट्टी ना कर, देख मेरा काम देख तू आज। अभी तो कुछ बताऊं मैं तेरे पति को कितना काम आता है, और जिसका पति कुक होता है ना, कुक बनाता है मतलब, और बाकी काम ऑफिस का काम करने के बाद भी इतनी गोल रोटी बनाता है, उस लड़की की किस्मत बहुत अच्छी होती है, जैसे अर्षी की किस्मत। मेरे आने से बाहर फूल बरसाव हो चुके हैं। और चल मेरे को रोटी बनाने का। तुम तो खतरों के खिलाड़ी हो। और ऐसी शेक देता हूँ हार्ट शेक, देखो मेरी रोटी फूल भी रही है। ऐसी है फिर हम, बस कभी मार नहीं कितना भाई। ज्यादा मत बनो हमने आपको। थोड़ा ऑयल लगा देते हैं ना, ज्यादा नहीं थोड़ा थोड़ा। ज्यादा ही लगा दिया तुमने तो। कभी कभी गलती हो जाती है गाइस। अब ये ना बोलिए ऑयल भी हाथ से ही लगाओ। फिर ऑयल भी हाथ से लगाओ। फिर आग लगे जलाने है क्या? जल गई रोटी। वो तेरे बात करने की वजह से हुआ है। उधर दूध का दूध, पानी का पानी। ये काट, इसको काट। रोटी की रोटी, जली हुई रोटी, तेरी वजह से जला। तूने नजर लगाया ये। मजा आया, बहुत मजा। किस में रखो ये? बहुत मजा आया। मार्ट में प्लेट नहीं दिखी, इसमें रख रहे। सो गाइस ये हमारी रोटी बन चुकी है। देखो पीछे से दिखाओ, पीछे से दिखाओ कितनी अच्छी बनी है। जैसे नई बहू बनाती है ना वैसी, बट पीछे से थोड़ी सी जल चुकी है ये। कोई बात नहीं, फिर भी अच्छा है। इसकी वजह से ये वीडियो बना रही है ना बार बार आके। उधर हो, काम करने दे मेरे को, मैं बना देता हूँ। चल, चल, चल। एक बार। So guys, हम भुर्जी बनाने वाले, वो भी किसकी? पनीर की भुर्जी। ऑयल ज्यादा नहीं डालना यार, बस इतना कम ऑयल। वैसे डालना ही नहीं चाहिए था मेरे को। आज हम वो बनाते बिना ऑयल डाल के वाला। मिर्च भी काटनी पड़ रही है, बताओ कैंची से। So guys, सबसे पहले हम डालेंगे मिर्च इसमें, और हमारा पैन हो चुका है गरम। शीट मत लगा लेना। आए हाय। और जब पैन थोड़ा गरम ज्यादा हो जाए उसको साइड में ऐसा रख देना चाहिए। अच्छा, ठंडा हो जाए थोड़ा। तो मतलब बहुत एक्सपर्ट बन रहे हो अपने आपको। एक्सपर्ट हूँ तो एक्सपर्ट नहीं बनूंगा क्या? अच्छा यार, ये क्या एक्टिंग है? अच्छा, सर तो बाहर निकाल रहे हो, वेस्ट कर रहे हो। कहाँ बाहर निकला? बस खुद के खाने में से छीके लग रही है गाइस। तो गाइस हमें चम्मच के साथ चलाना पड़ेगा क्योंकि ये छोटा है। पता चलेगा तुम बिल्कुल खाना नहीं बनाते। तुम्हारी सच्चाई सामने आ गई। सब्जी थोड़ी बनानी नहीं आती ना। सब्जी बनानी आती है पर जब तुम सर पे बैठी होती हो ना तब नहीं आती। सारी मिर्च सड़ा ली तुमने। तो भाई अब हम इसमें डालेंगे पनीर। जरा ज़ूम करके दिखाया जाए। तो भाई अब हम इसमें डालते हैं मसाले। नमक स्वाद अनुसार। नमक स्वाद अनुसार बहुत है इतना? मुझे क्या पता, तुम खा लो, खाते हो। थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे क्योंकि ज्यादा नहीं खाना चाहिए लाल मिर्च। थोड़े मिक्स मसाले डाल लेंगे हम। थोड़ी हल्दी डाल लेंगे, थोड़ा थोड़ा सा ये डाल लेंगे, फिर इसको हम चलाएंगे। आय हाय, इतना धक्का उड़ा दिया तुमने। ऐसे ही बनता पनीर की भुर्जी? मैं तो अलग बनाती हूँ, तुम तो ऐसे पागल जैसी बनाते हो। काम चलाओ। पनीर लो, कच्चा खा लेते, तो क्या काम चलाओ। और रोटी बन चुकी है, अभी ये रोटी खा लेंगे। चलो हो गया तुम्हारा काम। थोड़ा खाना पड़ता है। सारा बाहर फेंक दिया यार। So guys, हमारी पनीर हो चुकी है रेडी। अब उसको हम थोड़ा
खाके टेस्ट करके आपको बताते हैं। लेट्स गो। सो गाइस, हमारा मटर पनीर मतलब कि पनीर की भुर्जी और रोटी हो गई है तैयार। अब टेस्ट करके बताते हैं कि कैसी बनी है। एक बार टेस्ट करते और बताते हैं। वाह, बहुत अच्छी बनी है। बहुत बेकार बनी है। पहले खा लूं मैं, ये तो मैं झूठ बोल रहा था। नाइस। जैसे उसमें टेस्ट नहीं चेक करते शेफ, मास्टर शेफ में चेक करते हैं, यहाँ से चेक करते हैं। खाने में भी एक्सप्रेशन बनाते हैं। बस नमक की मात्रा बिल्कुल ठीक है और क्रंची। हाँ, पनीर की भुर्जी, वाह। सो सूरज, आप बनते हो मास्टर शेफ 2100। भाई बहुत अच्छा बना है, बहुत ज्यादा अच्छा बना है, बहुत ही खतरनाक। बोलना कुछ, बहुत ही खतरनाक दिख रहा है। खतरनाक तो बनाया जिस तरह से भाई, दिखना सिंपल ही अच्छा लगता है। ठीक है, मेरा बन गया है। देखो प्याज भी कितने अच्छे से पके हुए। देखो अगर तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा, भैया को टेस्ट करके बताता हूँ। देखो भैया, हमारे भैया यहाँ पे सो रहे, इनसे टेस्ट करके बताते हैं। इनकी बॉडी दिख रही है, सिक्स पैक ऐप से दिखाना भैया। लेट्स सी इनका रिएक्शन। हमारे फाइनल जज आए हैं। हमारे फाइनल जज मींस की सेलिब्रिटी जज। ढकलो पूरा इज्जत और टेस्ट करके बताओ कि कैसा है। हमारे फाइनल जज, धक धक हो रहा है मेरे दिल में, धक धक। और सच बताना भाई, कैसा बना रहा है? झूठ कैमरे के लिए मत बोलना, सच बताना। अच्छा है। अच्छा है ना? अच्छा बना है ना? सच में ना? सच में ना? मेरी कसम खाओ। है कुछ चीजें वो तेरे को मैं सिखा दूंगा। बड़े आए भाई, डांस नहीं, कोरियोग्राफी नहीं किया मैंने जो आप सिखा दोगे। ये खाना बनाया मैंने, कोरियोग्राफी में सिखाना। खाने में तो आई एम द बेस्ट। अगर अर्शी का रोजा नहीं होता ना, इसको टेस्ट बचा दूंगा शाम के लिए, टेंशन ना ले। अगर खत्म नहीं हुआ तो नहीं खाना। अगर खत्म क्या मिला दोगे इसके अंदर? अगर खत्म नहीं हुआ तो अर्शी के लिए बचा देंगे, बट मन तो है नहीं कि मैं सारा खाऊं, ये मन कर रहा है। तो आप बताओ, तुमने भुर्जी खाने शुरू कर दी, तुमने चिकन अंडा क्यों छोड़ दिया तुमने? हाँ गाइज, यार ये भी बात है, क्योंकि मैंने चिकन और अंडा और नॉन वेज, यार नॉन वेज नहीं खाना चाहिए हमें। किसी मतलब जीव को ऊपर वाले ने सबको बना रखा है ना, इंसान भी बना रखा है, उन्हें भी बना रखा है, सबको बना रखा है। और जिसके अंदर सांस है, जो सांस लेता है उसको नहीं खाना चाहिए मार के किसी चीज़ को। वो सबको नहीं खाना चाहिए, चाहे कोई भी हो भाई। अगर आप इंसान हो ना तो आप नहीं खाओगे, अगर आप नहीं हो तो फिर आपकी मर्जी, आप खाओ ना खाओ, ठीक है। बाकी मैंने नॉन वेज छोड़ चुका हूँ, मैं तभी मैं पनीर की भुर्जी खा रहा हूँ और रोटी। और वैसे ये नहीं है कि पहले मैंने खाया नहीं, पहले मैं खाता था बट फिर मैंने बीच में फिर छोड़ दिया। और मेरा रीज़न यही था छोड़ने का कि मुझे नहीं खाना है ऐसे। मतलब अगर यार एक ना चैलेंज भी आप लोगों के लिए जो खाते हैं ना उनके लिए, अगर आप लोग ना खुद काट के खुद खा सकते हो ना तो वो चैलेंज है। आपके हाथ कांपने लग जाएंगे भाई, खून देख के काटते समय। ये वो खाते समय तो बड़ा ये वो लॉलीपॉप ऐसे करते हो, बट वो करके देखना कभी, फिर मान जाऊंगा मैं आप लोगों की हाँ आप असली मर्द हो, ठीक है। सो गाइज, हमारा आज का चैलेंज हो चुका है कंप्लीट और हमें फुल पॉइंट भी मिल चुके हैं। अब तुमने तो खाना बना लिया, अब किचन कौन ठीक करेगा? ऐसे तो नहीं होता है, किचन तुम शाम को ठीक कर लेना। ओए नहीं, अभी तुम ही करोगे ठीक किचन भी। भाई इतना लाड प्यार नहीं है, खाना बना के खुद खा रहा हूँ ना, तो वो अच्छी बात है। किचन साफ करने वाला तो कर सकती हो? नहीं, सारा थोड़ा ना मैं करता हूँ, सब आप ही करोगे जाके। भाई इतना नहीं है, उंगली दिया ये तो पूरा गर्दन पकड़ने आ जाते हैं। अब मुझे पता चला, अब कौन करेगा किचन साफ? तुम ही करोगी भाई, मैं नहीं करूंगा गाइस। किचन कुचन साफ मुझे नहीं करना। बाकी मैं सोच रहा हूँ, मैं सारे बर्तन नया बिजनेस स्टार्ट है, तो तुम क्या करोगी? आराम आराम ही करते रहो। सो गाइज, आज की वीडियो हम यही खत्म करते हैं और थोड़ा मैं खाना खाता हूँ और क्लास है, क्लास के लिए जाता हूँ मैं। अर्शी राइडर बन चुकी है अब। मैं अपने क्लास में आया था, अर्शी मेरे को छोड़ने आई थी क्लास में। चलो अर्शी बाय। ये है हमारी राइडर, बाय राइडर। सो गाइज, एक्टिवा तो अर्शी ले गई थी, अब हम जा रहे हैं ऑटो में घर। आपको दिखाता हूँ ऑटो का सफर। ये हम ऑटो में जा रहे हैं घर अब। एक्टिवा अर्शी ले गई थी, अर्शी का थोड़ा काम था, चलते बाय।